और ये जो मॉडल है ना, ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला मॉडल है और इसमें आपको हर एक फीचर्स मिल जाएंगे काफी कम बजट के अंदर। सारी चीजें बताने वाला हूँ वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले इसके वेरियंट की बात करेंगे तो ये XM प्लस वेरियंट ये आप देख रहे हैं जो कि पेट्रोल में खड़ा है। इसकी यहाँ पे डिजाइन देखेंगे काफी खूबसूरत, यहाँ पे इसकी डिजाइन यहाँ पे मिलता है, काफी सेक्सी लगती है। इसका देख सकते हैं फ्रंट प्रोफाइल बहुत जबरदस्त यहाँ पे इस पैटर्न की वजह से लगता है। यहाँ पे पियानो ब्लैक पैटर्न के साथ यहाँ पे ग्रिल मिलता है। इसके नीचे क्रोम फिनिशिंग दिया गया है, टाटा का लोगो हो गया। नीचे देखेंगे तो एयर वेंटिलेशन के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्पेस मिलता है। हेडलैम्प्स यहाँ पे यूनिट देखेंगे तो हेडलैम्प यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ आता है जो कि ड्यूल बैरल हेलोजन चैम्बर के साथ यहाँ पे मिल रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है साइड में ही टर्न इंडिकेटर मिलता है जो कि हेलोजन बल्ब में है। छोटा सा पायलट लैम्प भी यहाँ पे अंदर दिया गया है। फॉग लैम्प के लिए यहाँ पे कंसोल मिल जाता है, कुछ इस तरीके से है। अब आपको कार का साइड प्रोफाइल दिखाते हैं तो गाड़ी जो है साइड से कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है जो काफी खूबसूरत यहाँ पे लगता है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे सबसे पहले इसके व्हील्स देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर व्हील कवर मिलता है जो कि सिल्वर व्हील कवर के साथ है। वो जो टायर का जो प्रोफाइल है वो 185/60 R16 का यहाँ पे मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक्स आते हैं। फेंडर पे इंडिकेटर आता है, चाहे बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल। यहाँ पे ORVM की बात करेंगे, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ पे एक बेस्ट पॉइंट बन जाता है। ए पिलर जो है बॉडी कलर में मिलता है, बी पिलर ब्लैक टेप्ड आउट है, देख सकते हैं। और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पे मिलता है जो काफी अट्रैक्टिव बना देती है कार के जो साइड प्रोफाइल को। बाकी 25 साल में 50 लाख कार सोल्ड आउट कर दी है टाटा वालों ने, उसका सेलिब्रेशन टैग यहाँ पे मिलता है। रियर व्हील्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। तो ये था कार का साइड प्रोफाइल, आइए आप कार का रियर प्रोफाइल दिखाते हैं आपको। तो कार का जो रियर प्रोफाइल है कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है जो काफी खूबसूरत यहाँ पे लगता है, देख सकते हैं। बहुत अट्रैक्टिव लुक यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे इसके लाइट्स देखेंगे तो यहाँ पे ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, बट इसमें जो बल्ब है वो आपको हैलोजन बल्ब में मिलता है। रिवर्स लैंप यहाँ पे मिलता है, टर्न इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है। बाकी ये जो पूरा सिस्टम यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे मिलता है। टाटा का लोगो अल्ट्रोज लिखा हुआ मिल जाता है। रियर कैमरा यहाँ तक मिल जाता है इस वेरियंट में। और यहाँ पे वोकल फॉर लोकल वाला टैग, प्लेन ग्लास है, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप और सबसे ऊपर शार्क फिन एंटीना। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की बात करेंगे तो इसमें एक दो मिलता है, रिफ्लेक्टर यहाँ पे दिया गया है, बाकी नंबर प्लेट यहाँ लग जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसका रियर प्रोफाइल मिल रहा है। आइए कार का एक बार बूट स्पेस दिखाते हैं इसमें। तो यहाँ से ओपन होगा तो यहाँ बूट देखेंगे ना आप, भाई बहुत बढ़िया यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है। कितना, 345 लीटर तक का यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा है, देख ही सकते हैं आप। पार्सल ट्रे हो गया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लगेज लैंप इस वेरियंट में नहीं आ रहा है। स्टेपनी देखेंगे तो स्टेपनी यहाँ पे है, प्रोफाइल है वो 165/80 R14 का यहाँ पे मिलता है। करते हैं इसको बंद तो बहुत बढ़िया स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे हैंडल है इसको बंद करने के लिए, कुछ इस तरीके से ये बंद हो गया। अब आपको कार का इंटीरियर दिखाते हैं तो पहले डोर को ओपन करते हैं। तो डोर जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप काफ़ी खूबसूरत से यहाँ पे इंटीरियर मिलता है। बीच और ब्लैक कलर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो चारों के चारों पावर विंडो ड्राइवर वाला ऑटो डाउन के साथ मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मिरर एडजस्ट करना, फोल्ड करना यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे डोर लीवर हो गया पियानो ब्लैक फिनिशिंग में। यहाँ पे बॉटल होल्डर हो गया, अम्ब्रेला होल्डर तक यहाँ पे मिल जाएगा। स्पीकर ग्रिल हो गया। यहाँ पे बात करेंगे इसके सीट्स की तो सीट यहाँ पे देखिए प्रॉपर फैब्रिक में यहाँ पे मिल रहा है। सीट यहाँ पे इस वेरियंट में हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है, इसीलिए मैं इसको खास बता रहा था क्योंकि आपको इसमें हर एक फीचर्स मिल जाएंगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट हो गया, रियर में आपको फिक्स जाते हैं। अब अंदर बैठते हैं फिर आपको इसका फीचर्स दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका देख सकते हैं इंटीरियर मिलता है जो काफी प्रीमियम आपको फील कराता है, देख ही सकते हैं आप। और यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टेयरिंग से, तो स्टेयरिंग यहाँ पे डीकट वाला मिलता है। इधर अपना म्यूजिक के कंट्रोल्स, इधर आपको भाई क्रूज कंट्रोल मिल जाता है इस वेरिएंट में, क्रूज कंट्रोल यहाँ तक मिल जाता है। इधर अपना वाइपर जो कि ऑटोमेटिक फंक्शन के साथ आता है, और इधर अपना हेडलैम्प जो कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प के साथ यहाँ पे मिलता है। क्लस्टर यहाँ पे देखेंगे तो क्लस्टर एक बार इसको ऑन करते हैं तो भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है, देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्लस्टर दोनों तरफ आपको एनालॉग मीटर मिल जाता है, और बीच में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है जो हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे देखेंगे काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे साउंड क्वालिटी के साथ ये मिलता है जो कि हरमन कार्टन का है। यहाँ पे डैशबोर्ड देखेंगे काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे फील होगा, इसकी वजह से एक प्रीमियम लेवल यहाँ पे इंटीरियर फील कराता है।
हैजर्ड लाइट का बटन यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे थोड़ा क्रोम फिनिशिंग है कुछ इस तरीके से, एसी वेंट के चारों तरफ देख ही सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं जो कि मैनुअली है, दिखने में ऑटोमेटिक लगता है बट ये मैनुअल एसी आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट आउटपुट मिल जाता है, यूएसबी पॉइंट हो गया, यहाँ पे फोन रखने के लिए स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, बाकी यहाँ पे ट्रांसमिशन हो गया 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे लेदर हो गया, इको मोड हो गया, हैंड ब्रेक हो गया क्रोम फिनिशिंग के साथ है, कप होल्डर हो गया, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा, बाकी ग्लव बॉक्स देखेंगे, ग्लव बॉक्स यहाँ पे बड़ा सा यहाँ पे मिलता है, कप होल्डर या मतलब बॉटल होल्डर कुछ भी आप कह लो यहाँ पे आप रख सकते हो, उसके हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है, देख ही सकते हैं। करते हैं इसको बंद, यहाँ पे IRBM मैनुअली डी नाइट एडजस्टेबल के साथ आ रहा है, इधर अपना टिकट होल्डर हो गया, इस साइड में अपना वैनिटी मिरर हो गया, और भाई यहाँ पे लाइट है जो है LED में आ रहा है, और इसमें आपको सनरूफ मिल जाता है अब तो, सनरूफ इस वेरिएंट में मिल गया आपको, काफ़ी बढ़िया वेरिएंट ये बन गया है, देख ही सकते हैं आप हर एक फीचर्स इसमें आ रहे हैं, एक सनरूफ हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया, बढ़िया सा बूट स्पेस है, टच स्क्रीन है, कैमरा है, सब कुछ है, ऑटोमेटिक वाइपर है, तो और क्या चाहिए भाई। तो ये सारी चीज़ें भाई कितने में आ रहा है अभी आपको बताता हूँ, एक पहले मैं इसका एक बार रियर कैबिन दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। रियर डोर कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा आपको, बीच कलर ब्लैक कलर के साथ है, और यहाँ पे जो है देख सकते हैं फिक्स हेडरेस्ट है, फैब्रिक में आ रहा है प्रॉपर सीट, और यहाँ पे बैठ के देखेंगे आप तो अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस नी रूम आपको मिल जाएगा, हेडरूम भी ठीक ठाक आपको यहाँ पे मिलता है, बट यहाँ पे जो है अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा आपको यहाँ पे कम फील होने वाला है, बाकी यहाँ पे थोड़ा स्पेस आपको मिलता है फोन रखने के लिए, बाकी रियर एसी वेंट यहाँ पे नहीं है, डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब आपको एक बार इंजन दिखाते हैं फिर इसके प्राइस बता रहा हूँ आपको। अभी यहाँ पे इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे 1.2 लीटर का रेवोटन इंजन आता है, बहुत जबरदस्त इंजन है, पावर भी अच्छा खासा यहाँ प्रोड्यूस करता है, और 3 सिलेंडर के साथ आता है, पावर कितना 86 PS का पावर यहाँ पे जनरेट करता है, और 115 Nm का टॉर्क यहाँ पे मिल जाता है इस इंजन से, और वहीं ये इंजन अगर माइलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 19 KMPL का माइलेज क्लेम होता है इस गाड़ी से, बाकी ड्राइविंग के ऊपर होता है, अलग अलग फैक्टर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो यहाँ पे इसका एक्सशोरूम जो कीमत है वो लगभग 7,99,900 का एक्सशोरूम कीमत है, आप 8 लाख मान सकते हैं, 8 लाख एक्सशोरूम कीमत में ये गाड़ी आपको मिलती है, और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स ऑफर कर रही है, यहाँ तक कि सनरूफ भी आपको मिल रहा है, टच स्क्रीन कैमरा, क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीजें मिल रहा है, और वहीं इसके जो है सेफ्टी की बात करेंगे तो आपको इसमें 5-स्टार सेफ्टी रेटेड ये कार है, मतलब आपको सेफ गाड़ी अगर आप देख रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट के अंदर यह मिल जाता है। आपको कैसे लगी गाड़ी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।